हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस सीरीज में हम जितने भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स की कार्स है सबको एक एक करके कवर करेंगे, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस सेगमेंट में कि किस कार को लेना सही रहेगा और किसको नहीं। तो इसीलिए ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके हम सारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार्स को देखेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में जिस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार्स के बारे में हम बात करेंगे वो है मारुति ब्रेजा। एंड मारुति ब्रेजा के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को आज मैं डिटेल में बताऊंगा, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो मारुति ब्रेजा लेने का तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए इस कार को अच्छी तरह से समझने में। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं इस कार के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। बट उससे पहले वीडियो पूरा देखना, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स मैं इसमें बताऊंगा, इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव। एंड आई होप अगर कोई लेना चाह रहा है कार इसको, तो उसकी जरूर ये वीडियो हेल्प करेगी। तो गाइस, बात करते हैं इस कार के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो इस कार में फील होता है मुझे, वो है जो इसमें 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है। 6 गियर की कमी आपको डेफिनेटली फील होगी जब आप इस कार को हाईवे में ड्राइव करोगे। अगर 6 गियर इस कार में अवेलेबल होता तो कहीं ना कहीं कार की माइलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती। एंड हाई स्पीड में वो जो 6 गियर की कमी है ना, वो आपको डेफिनेटली फील होती है इस कार में। एंड बिकॉज अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करो तो कंपटीशन में 6 गियर इस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। तो अगर इस कार में एक 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती तो और अच्छा होता। अदरवाइज प्रोडक्ट अभी भी बहुत अच्छा है, बट एक 6 गियर की कमी जरूर फील होती है हाई स्पीड के केसेस में। जब भी आप अपनी कार को हाई स्पीड में हाईवेज पर ड्राइव करते हो तो वो 6 गियर की कमी जरूर फील होती है आपको। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जिस प्राइस रेंज में ये कार आती है 16 लाख प्लस में इसका टॉप मॉडल आपको पड़ता है, एंड उस प्राइस रेंज के हिसाब से इस कार में आपको थोड़े बहुत फीचर्स में भी कमी देखने को मिलेगी। कंपटीशन से अगर कंपेयर किया जाए इस प्राइस रेंज में, कंपटीशन बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है आपको। कई इसके कॉम्पिटिशन में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है इस प्राइस रेंज में, एयर प्योरीफायर मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, बट वो सारे फीचर्स आपको ब्रेजा में कम देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर एटलीस्ट मैं कहता हूँ आप टॉप मॉडल में आपको ये सब चीज़ें रखनी चाहिए थी मारुति को, तो ये प्रोडक्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाता एंड कंपटीशन से और ज़्यादा आगे हो जाता। बात करें नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, जो मुझे फील होता है इस कार में, वो कहीं ना कहीं इस कार की जो इंटीरियर क्वालिटी है उसको लेके, वो प्रीमियमनेस इस कार में आपको फील नहीं होती जो आपको और कंपटीशन में प्रोवाइड हो रही है आज के टाइम पे। अगर आप देखोगे इंटीरियर का, चाहे मैं बात करूँ प्लास्टिक क्वालिटी की, तो वो भी इतना अप टू द मार्क नहीं है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप 16 लाख पे कर रहे हो, 16+ लाख पे कर रहे हो, तो उस हिसाब से लगता है मुझे कि आपको इंटीरियर उतना प्रीमियम और उतना क्लासी नहीं मिलता। तो ये चीज़ एक कमी है जो आपको इस कार में फील होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मारुति अभी भी अगर आप देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, तो अभी भी आपको सेमी डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें देखने को मिलता है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। अगर फुली डिजिटल कंसोल इसमें होता तो कार का थोड़ा सा और प्रीमियमनेस बढ़ती, देखने में थोड़ा और अच्छा लगता। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे फील होता है कि इसमें होना चाहिए था, जो कि अभी फिलहाल इसमें मिस है। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे पर्सनली फील होता है कि जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको भी अपडेट करने की जरूरत है, बिकॉज जो इंफोटेनमेंट अभी प्रोवाइड हो रहा है मुझे लगता है कि वो अभी फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे कॉम्पिटिशन से तो काफ़ी आउटडेटेड लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति ब्रेजा के इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी अभी अपडेट होने की ज़रूरत है, जो कि अभी फिलहाल कंपटीशन से बहुत पीछे है। तो एक ये पॉइंट है जो मुझे फील होता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। सो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन आपको मारुति ब्रेजा प्रोवाइड करती है। 1.5 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उसमें आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। NVS लेवल का इशू इस कार में आपको देखने को नहीं मिलता, काफ़ी रिफाइंड इंजन है इस कार का। कैबिन भी बहुत साइलेंट है और इसके अलावा बाहर भी आपको ऐसा कोई शोर नज़र नहीं आता इस कार में। वाइब्रेशन और नॉइज बहुत कम है इस कार में, तो NVS लेवल बहुत ही लो है इस कार में। इसके अलावा जो ये इंजन है, ये आपको एक कंसिस्टेंट पावर प्रोवाइड करता है, जिसलिए आपका हाईवे पे बात करो चाहे सिटी पे बात करो, कार की जो ड्राइवेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस कार में वो बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा क्लच भी काफ़ी लाइट है कार का, तो सिटी में अगर आप कार चला रहे हो तो आपको भी कहीं से भी टायर्डनेस फील नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक में भी क्लच बिकॉज लाइट है तो आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी इसको ड्राइव करते समय।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइलेज प्रोस्पेक्ट से भी, तो ये कार काफी अच्छी माइलेज निकाल के देती है। इस कार में आपको माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाता है एंड जो कहीं ना कहीं एवरेज को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा ये कार आपको सीएनजी में भी मिलती है, ये कार आपको पेट्रोल में भी मिलती है, तो माइलेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है इस कार में। सबसे ज्यादा आई गेस फ्यूल इकोनॉमी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी आपको इस सेगमेंट में ये कार निकाल के देती है, तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। उसके अलावा बात करूं डायमेंशन वाइज भी, तो अपने पूरे सेगमेंट में ये कार सबसे ज्यादा डायमेंशन के साथ आती है। रोड प्रेजेंस भी कार की काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्पेस आप खुला खुला पीछे, अगर आप रेयर सीट पे बात करें तो रेयर सीट पे 3 लोग इसमें आराम से बैठ जाते हैं। बूट स्पेस काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है इस कार में, आपको लंबे ट्रेवल पे जाना है आप इजिली अपना लगेज कैरी कर सकते हो, इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस इस कार में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो मारुति के इंजन की रिलायबिलिटी, वी ऑल नो कि कितने रिलायबल इंजन मारुति बनाता है, तो रिलायबिलिटी के मामले में भी इस कार में कोई शक नहीं। अगर आपको ऐसी कार चाहिए 15 साल 10 साल आपको चलाना है तो आप बिना किसी परेशानी के इस कार की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो एक प्लस पॉइंट आपको मारुति के साथ मिलता है वो है इनका नेटवर्क। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपको किसी भी शहर, इस देश के किसी भी कोने में आपको मारुति के सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं, तो नेटवर्क बहुत बड़ा होने से जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है इनके साथ। तो आफ्टर सेल सर्विसेज वाला इशू भी आपको मारुति ब्रेजा या मारुति किसी भी कार के साथ देखने को नहीं मिलता, आफ्टर सेल सर्विसेज आपको अच्छी मिलती है। इनके पार्ट्स बहुत सस्ते होते हैं, तो पार्ट्स में भी आपको जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है वो भी बहुत कम पड़ती है, ये एक और प्लस पॉइंट है इस कार के साथ अगर आप जाते हो तो। उसके अलावा बात करूं तो इस कार का एक और प्लस पॉइंट जो हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए अगर हम कोई कार ले रहे हैं, बिकॉज हर बंदा कोई अपनी कार 10-15 साल नहीं चलाता, तो वो पॉइंट है इस कार की रीसेल वैल्यू। कार की रीसेल वैल्यू भी बहुत जबरदस्त है अगर कंपेयर करें इसको कॉम्पिटिशन के साथ, तो ये कार आपको बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू निकाल के देती है। सेकेंड हैंड कार मार्केट में इस कार की डिमांड बनी रहती है एंड काफी अच्छी रीसेल वैल्यू ये कार आपको देके जाती है, तो ये प्लस पॉइंट इस कार के साथ है अगर आप इस कार की तरफ जा रहे हो तो। उसके अलावा कई लोगों के डाउट रहते हैं मारुति के साथ सेफ्टी को लेके, तो यार मैं बताऊं सिंपल बात, ये कार जो है ना ये मारुति की सबसे सेफेस्ट कारों में से एक आती है। 4 स्टार इसकी एनकैप रेटिंग है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। तो अगर आपको माइंड में ये चल रहा है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कार की तरफ नहीं जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग है और ये कार आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कार के साथ। अच्छा, एक नेगेटिव पॉइंट मैं एक और रेस करना चाहता हूँ, आई नो मैं उस समय मिस कर गया था। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आप वी ऑल नो कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो आ रही है, बट 6 एयरबैग का ऑप्शन इस कार में आ जाना चाहिए, जो कि फिलहाल अभी नहीं है, बिकॉज अब कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करने लग गया है, मारुति को भी इसमें देखना चाहिए और 6 एयरबैग का एक कंपल्सरी एड ऑन इसमें करना चाहिए और 6 एयरबैग इस कार में आने चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जिसको आई थिंक मारुति को इसमें वर्क करना चाहिए। तो गाइज यही कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आई होप आप लोग मेरे इन पॉइंट्स के साथ एग्री करते हैं, और अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई पॉइंट मिस हो रहा है या मैंने कुछ पॉइंट गलत बताया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई होप कि कुछ लोगों की ये वीडियो हेल्प कर पाई हो अगर कोई लोग प्लान कर रहे थे इस कार को लेने का। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस कार को कवर करना चाहिए हमें अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।